नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। कारण ये था, मैं एनसीपी में पहले थी। एनसीपी छोड़ के मैं शिवसेना में आई थी। बट क्या हो गया, शिवसेना में पिछले 2.5 साल 3 साल से मैं हूँ, लेकिन शिवसेना वाले जो थे वो मुझे आगे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो किसी भी कीमत मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे आगे ही नहीं बढ़ा रहे थे। मैं बेसिक में भी थी, बेसिक के समन्वय थी, विधानसभा समन्वय थी, बट वो लोग भी मुझे कहीं पर आगे नहीं कर रहे थे। कहीं भी जाती थी, मीटिंग में जाती थी तो मुझे कहता था लेडीज़ लेके नहीं आना। अगर कोई लेडीज़ मेरे साथ चलती है तो लेडीज़ को गाड़ी में बैठना पड़ता था, बाहर ही बैठना पड़ता था। फिर ये प्रॉब्लम होता था मेरे लिए कि मैं मेरे लेडीज़, क्योंकि मेरे लेडीज़ सब टूट रही थी। हो गया, मुझे बेसिक में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आउजेट में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे कहीं पर मीटिंग है। आउजेट का क्या प्रॉब्लम हो गया, आउजेट का कहीं बाहर मीटिंग होता था, सिर्फ अपने एरिया छोड़ के, साइन कोलीवारा छोड़ के बाहर कहीं भी मीटिंग होता था, कहीं भी जाना होता था, मुझे बताया नहीं जाता था, ना मुझे साथ में लेके जाया जाता था। तो ये भी प्रॉब्लम हुई। फिर मैं आगे कुछ काम करना चाहती थी तो काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने के चांस ही नहीं मिल रहा था। जहाँ मैं मेरे लेडीज़ लोग को लेकर जाना चाहती थी किसी मीटिंग में, वहाँ बेसिक वाले मुझे कहते थे कि लेडीज़ जो लाए हैं वो बाहर के बाहर बैठाओ। स्टेज पर अब समन्वय हूँ तो समन्वय को स्टेज पर बैठने का अधिकार है, लेकिन मेरे नाम ना लिया जाता था, ना मुझे स्टेज पे बैठने को दिया जाता था। अगर मैं स्टेज पे चढ़ती तो मुझे ये कहा जाता था, आपका नाम लिया है क्या, नहीं ना, आप नीचे बैठिए। भेदभाव ये था। समन्वय अपना बेसिक में अपना इस उनको डर था कि अगर मैं महिला लेके जाऊंगी और मैं काम करूंगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, शायद वो हमसे पीछे हट जाएंगे। इसलिए हमारे जो विभाग प्रमुख है रीटा ताई वाघ, वो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। मीटिंग होता था, अगर शाम को 6 बजे का मीटिंग है तो 4 बजे मीटिंग के लिए मुझे कॉल आता था कि 6 बजे फलाना जगह मीटिंग है, आप पहुंच जाइए। या 1 घंटे पहले मुझे सिंधेताई फ़ोन करती थी, फलाना जगह मीटिंग है, आप 1 घंटे में पहुंचिए। या कभी कभी बोलते थे अभी मीटिंग है, अभी के अभी यहाँ पहुँचो। तो इस तरह से मुझे, क्योंकि इस तरह से हमारा अभी देखिए राष्ट्रपति में गई हूँ, मीटिंग है, 3 दिन पहले से कॉल कर दिया गया कि मीटिंग है करके, जानकारी दे दी गई है, लेकिन मुझे बेसिक से कोई जानकारी नहीं मिलती थी। आउजेट भौतिक से मुझे कोई जानकारी नहीं मिलती थी। आखिर तंग आकर मैंने देखा, सबको कोशिश की कि साथ में लेके चलूँ, लेकिन ये लोग मुझे साथ में लेके चलने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहुत आनंद महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हुई, क्योंकि वहाँ सब मुझे जानते भी हैं और मुझे रिस्पेक्ट भी करते हैं, मुझे इज्जत भी देते हैं। मैं जो चाहती थी कि मेरे साथ मेरे लेडीज़ चले, आज भी देखिए हम कम से कम 25-30 लेडीज़ लेके गए, तो मेरा तारीफ भी की गई, मुझे इज्जत भी दी गई, मेरे सारे लेडीज़ की इज्जत की गई, तो ये अच्छी लगती है। अगर मैं ये शिवसेना में रहते हुए अगर मैं ये इतनी लेडीज़ लेके जाती तो सारे लेडीज़ को बाहर रखा जाता, सिर्फ मुझे अकेला अंदर जाने को दिया जाता। तो आज शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, उसके बावजूद भी आपके राष्ट्रवादी में प्रवेश और बगावती तेवर क्यों इतना हो? इसलिए ना, क्योंकि वो देखिए पार्टी एक होने की वजह से सारे हमारे गठबंधन में है, लेकिन गठबंधन में होने की वजह से ये है करके ये वजह नहीं है कि गठबंधन में है तो उनके साथ काम करना है। जबरदस्ती काम करना अच्छा नहीं लगेगा, आपका पेट भरा हुआ है और आप जबरदस्ती खाना चाहेंगे तो ओमिट करेंगी, या हम अगर जबरदस्ती आपको डालने की कोशिश करेंगे तो आप ओमिट करेंगी, ये प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ। माना जाए कि शिवसेना में महिलाओं का आगे बढ़ने के लिए आप पूरी तरह से मानती कि रोक दिया गया, खासतौर पर मुझे, बाकी महिलाओं का तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे रोका गया और उसके परिणाम स्वरूप आपने पुराना घर वापसी के लिए पुराना घर वापस आ गई। मैम, क्या उम्मीद करते हैं कि अब आगे चल के एनसीपी कितना सपोर्ट करेगा आपको और कितना आप कार्य कर सकेंगे खुल के? देखिए एनसीपी तो जैसे जिस दिन से मैं गया उस दिन से मुझे सपोर्ट कर रही है, अभी तक तो सपोर्ट कर रही है, और उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे, आगे इससे बढ़ के मुझे ओहदा दिया जाएगा। क्या क्या कुछ विचार किया है आपने कि महिलाओं को खास करके? देखिए महिलाओं के साथ तो बहुत सी जाति होती है, महिलाओं को मुझे फुल सपोर्ट करना है। पहली बात तो महिला को खुद के पैरों पे खड़े होने का सक्षम होने के लिए मैं कोशिश करूँगी उनको इस तरह की ये मतलब जानकारी दी जाए ताकि वो अपने पैरों पे खुद सक्षम हो सके। और हमारे पूरी टीम या ग्रुप रहेगी कि अगर एक महिला को कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो सभी महिला इकट्ठे हो जाएंगे और सभी महिला इकट्ठे होकर उस तरह के काम करेंगे।
एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश बनती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।